इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टर्म आते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टर्म आते हैं तो क्या होते हैं, तो अधिक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। जैसे मैंने एक ग्राफ ये दिया है, ठीक, मान लो कि ये एक्स वन हो गया और एक्स टू हो गया, ओके, तो इसके फंक्शन के क्या हो गए, ये वैल्यू मेरे को मिल गए एफ एक्स वन और ये वैल्यू मेरे को क्या मिले हैं एफ एक्स टू, ओके। तो आप देखोगे एक्स वन लेस देन एक्स टू है, तो आप देखोगे कि एफ एक्स वन लेस देन क्या है एफ एक्स टू, आप देखो एक्स वन छोटा एक्स टू से, एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू से क्या है, एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू से क्या है छोटा है, मतलब इन इट्स डोमेन। फिर से देखो फंक्शन एफ एक्स इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, एक्स वन लेस देन एक्स टू, तो एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू। दैट मीन्स कैलकुलस मेथड आप बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो। आप लोग लिमिट पढ़े होगे ना, देखो मैं लिमिट से भी इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। देखो तो आप एक्स वन लेस देन एक्स टू है, ओके, और एफ एक्स वन क्या है लेस देन एफ एक्स टू, तो मान लो कि ये एक्स है उससे बड़ा है, तो ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस एच, एफ एक्स वन एफ एक्स टू है, एक्स वन एक्स टू से, तो एक्स में कुछ ऐड करोगे तो ये भी तो होगा। जैसे कैसे, जैसे एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एच, एच को आपने क्या बताया है मैंने वेरी स्मॉल पॉजिटिव। आप देखो तो एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच, अब मैं एफ एक्स उधर ले जाओगे तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, अरे उधर ले जाओगे तो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होते हैं ना, और नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा ग्रेटर देन। तो ये मैं आपको लिमिट से भी बता दिया कि एफ डैश एक्स होते हैं ना, राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ भी, तो राइट हैंड से ही लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ, देखो तो एक्स वन लेस देन एक्स टू एफ एक्स वन एफ एक्स टू, तो एक्स वन को मैं एक्स कंसिडर और ये एक्स प्लस एच मतलब इंक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज देन एफ एक्स ऑल्सो इंक्रीज, तो एक्स प्लस एच भी स्मॉल एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव, तो आप लिमिट से करो एफ डैश एक्स लिमिट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स उधर चला जाएगा तो ग्रेटर देन क्या होगा जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव और एच क्या है वेरी स्मॉल पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा ग्रेटर देन जीरो। तो इस टाइप के फंक्शन एफ एक्स इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन डोमेन, एक्स वन लेस देन एक्स टू तो एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू, या एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन तो एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन। तो आपको बाय ग्राफ से भी मैंने बता दिया और बाय लिमिट से मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव जो होते हैं, डेरिवेटिव के जो होते हैं एल एच डी आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव से भी पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके।